अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है, मैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में आया था ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की, तो सारा कुछ वो हो गया। अब जो है, मैं अपना थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह बना रहा था, अभी खाने का टाइम है। तो बड़ा अच्छी इनॉग्रेशन हुई है। अभी जो लोग मेरे चैनल पर नहीं, उनसे रिक्वेस्ट करते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ताकि मेरे आने ब्लॉग्स मिलते रहें। तो चलिए, अभी हम थोड़ा खाना इन्जॉय कर लें, फिर ट्रेन की कवरेज करते हैं और पिंडी तक सफ़र भी करते हैं। और ये आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब ने जो इनॉग्रेशन करवाई है, बड़ी ज़बरदस्त हुई है। मैं कवरेज नहीं कर सका उसकी, मैं अंदर था क्योंकि मोबाइल से अलाउड नहीं थे, तो उस सिचुएशन में ये था। और अभी ग्रीन लाइन का देख सकते हैं कि इफ्तिताह में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सजावट हुई हुई है, और यहाँ पे लोग जो है अभी खाना शाना खा रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं, सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी है, और बड़ा अच्छा रहा। मैं बीच में थोड़ा सा अटेंड कर सका था क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं थे बिल्कुल, जितने भी गेस्ट थे। तो फिर मैं आके दोबारा देख के आया। अब इंशाल्लाह मैं आपको ग्रीन लाइन की कवरेज दिखाता हूँ, सारी ट्रेन दिखाऊंगा, और फिर हम पिंडी तक ट्रैवल भी करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहेगा, और हाँ, ख़ास तौर पे सुफियान और फहीम से भी मिलेंगे, द बेस्ट पार्ट। अच्छा जी, अब हम मारगला रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं बिल्कुल, और इसकी जैसे कि इनॉग्रेशन है वो भी हो गई है, शहबाज शरीफ साहब ने की है। लेट हो गए, लेट अंदर आए, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। अभी आज हम रावलपिंडी तक ट्रैवल भी करेंगे इसमें, और आपको दिखाएंगे भी जो हमारा जर्नी होगा। मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो कि कराची जा रहे हैं अभी, और मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएँ तो फिर उनके साथ जो है हम आगे व्लॉग जो है कंटिन्यू करें। तो अभी मैं आपको लेके जाऊँगा ग्रीन लाइन की तरफ, और आपको थोड़ा उसका रेक विज़िट करवाऊँगा, और फिर हम जो है आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं मेरे साथ। ये एंट्रेंस थी हमारी, और जो कि अभी हम मरगला से बिल्कुल इस साइड पे जा रहे हैं, और अब हम रेक की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्टडी। तो अब आप देखेंगे मेरे साथ, जो कि इन्होंने इफ्तिताह करना था ग्रीन लाइन का, साद रफीक साहब ने। और अभी हम ढूंढते हैं अशरफ भाई, उनको अरशद भाई को, वो भी ढूंढते हैं वो कहाँ पे हैं, तो फिर उनके साथ जो है हम करते हैं। तो अभी हम जो है आगे जा रहे हैं, और आगे जाके अब हम आपको ग्रीन लाइन का, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करें, तो माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हमारे सामने जो है पार्लर कार की कोच खड़ी हुई है, अभी हम इसका आपको रिव्यू भी देंगे, मैं आपको प्रॉपर इसका रिव्यू दूंगा। अभी इंजन से स्टार्ट करेंगे, और अरशद भाई को देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं, उनसे पहले मिलते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। माशाल्लाह रौनक बहुत ज़्यादा है, और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमारी पुलिस और ईच एंड एवरी स्टाफ हमारा काफ़ी जो एंटी टेररिस्ट के फोर्सेस हैं, एसएसजी कमांडोज, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे हमारे। तो मैं आगे आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप ट्रेन का देखिए आगे से भी। माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सजी हुई है ट्रेन, जो कि अभी उन्होंने इनॉग्रेशन कर लिया था। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कौन बैठा हुआ है इंजन में, और इंजन में जाके असल तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या एडवेंचर है। तो चलिए आगे चलते हैं, दिन के 12:15 हो रहे, और माशाल्लाह जो है बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई हुई है। ये आप देखेंगे मारगला रेलवे स्टेशन, और वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इंजन सजा हुआ है। आगे से रास्ता बंद किया हुआ है फिलहाल, और हमने जो है ये देखिए, वाओ माशाल्लाह बहुत ही क्लासी लुक, और बहुत ही, मैं पर्सनली आज मैंने लाइफ में कोई फर्स्ट इवेंट अटेंड किया है, जो कि रेलवे से मेरे फेवरेट जो मेरी कैटेगरी उससे रिलेटेड जो है फर्स्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, एंजॉय किया। यस, जब पीएम की सिक्योरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो वो काफ़ी टफ होती है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप कैमरा नहीं लेके जा सकते, या तो आपको फिर पीएम से ऑफिशियल सिक्योरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। बिकॉज हम लोग व्लॉगर्स हैं, हमारा काम है कि हम जो है ना व्लॉगिंग करें, आपको अपडेट्स दिखाएँ। तो आज बड़े अरसे बाद एक व्लॉग है, तो मैं आपको हमारी इनॉग्रेशन के साथ बहुत ही हमारे माशाल्लाह काबिल ड्राइवर, अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हैं, कैसे हैं? ठीक है, बस हम आ गए सर। माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बताएं, लाहौर तक जा रहे हैं या पिंडी तक जा रहे हैं? सर जा तो रहे हैं, बस बहुत ज्यादा खप है, खप है, रश है ना काफी। चलो सही हो गया, ये तो ऑफिस है ना,
अच्छा 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 कैसे रहा सेरेमनी वगैरह ये बताएं। माशाल्लाह आपको बड़े अच्छे बाद देखा है, दाढ़ी और ठीक ठाक। हमारे असिस्टेंट लोको पाई सामने को, हम क्या हाल, ठीक है आप? अच्छा, कोचेस दिखाने से पहले हम अर्शद भाई से ज़रा सी गुफ्तगू कर लेंगे। अर्शद भाई, क्या कहना चाहेंगे आज ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन पे? जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है वैसे भी। अभी आप इधर ही हैं, आगे चलेंगे, जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को कोचेस दिखा के आता हूँ, ठीक है? चलिए, जैसा कि आपने अर्शद भाई का सुना, जुम्मे का भी टाइम, नमाज भी होने वाली है। अब हम आपको दिखाते हैं, और मैं खुद फर्स्ट टाइम इन कोचेस पे चढ़ने लगा हूँ, विजिट करने लगा हूँ। और ये है जी हमारा गार्डगढ़। अजान भी हो रही है, वाह। गार्ड की सीट भी बड़ी कंफर्टेबल है, अगर आप ये देखें, अगर मैं इस पर बैठूँ तो मुझे एक बड़ा अच्छा फील आता है। इलेक्ट्रिक शॉक लैंप, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहुँच आई है। मारगला रेलवे स्टेशन, अब हम चलते हैं आगे। ये अगर हम इसमें लगेज की बात करें तो बड़ा अच्छा इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। कुछ भी आपने सामान सामान रखना हो तो बहुत अच्छा डिस्टेंस है, जगह बहुत अच्छी है। जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी होती थी ना कोचेज, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसमें ज़्यादा है ब्रेक वैन में। ये आप अगेन देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा खोलें तो ये आप इसमें देख सकते हैं जगह। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किस्म की डेकोरेशन हुई हुई है इसकी। और इसके साथ ही साथ अगर हम चलें तो सात वाली कोच से हम एंटर होते हैं। वॉशरूम देखें आप, कितना इसमें कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, वाह। इसका आप दरवाज़ा देखें, ये देखें, इट्स जस्ट बहुत खुला डुला वॉशरूम दिया हुआ है, बहुत अच्छा ही है। इसके जो वाटर इनलेट है, मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कोच, पर्सनली। स्पेसिंग इधर से आप सॉकेट देख सकते हैं, ये देखें इलेक्ट्रिक शॉक, और USB भी है चार्जिंग के लिए, आपको अलग से सहूलत दी गई है तो आपको। और यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी विंडोज़ का जो शेप, हर चीज़, कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं इकॉनमी क्लास में, बाहर से चलते हैं हम पहले, उसके बाद फिर हम इकॉनमी क्लास। जैसा कि मैंने आपको एक बाहर से भी दिखाऊँगा और अंदर के व्यू भी दिखाऊँगा। 160 किलोमीटर्स पर आर की रफ्तार से गाड़ी चल, 14001। सर हम जगह पे ये वाला देखते हैं। अब अगली कोच हम अंदर से जाके देखते हैं, जो कि पार्लर कार है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इसको प्रेस करेंगे, चलें जी अब ओपन हो जाए आप। वाओ, लग्जरी स्पीक्स इट्सेल्फ। आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी ही ज़बरदस्त, हर स्क्रीन के पीछे, हर सीट के पीछे स्क्रीन। और अगर हम इसको देखें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट लग्जोरियस ट्रेन इन पाकिस्तान। और सबसे बड़ी आप इसकी ये बात देखें कि हम सीट्स को हम रोटेट भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठ गया हूँ
और मैंने सीट को रोटेट करना हो तो वो भी इजीली। मस्ट रिकमेंड, प्लीज़ मस्ट रिकमेंड, आप लोग सफ़र करें इस पर। मेरे जितने भी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं, इवन जो मेरी ऑडियंस है, इस तरफ आएँ और उस ट्रेन में मस्ट करें। इस पार्लर कार ने कराची तक जाना है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग सफ़र बैठ के कैसे करेंगे इस पर। इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ पे मंजिल लगी हुई है, इधर ड्रामे चल रहे हैं। और बाकी जो इंटीरियर की अगर हम बात करें तो आप ये देखें, फैंस, एयर कंडीशन, तो क्या ही बात है। सो ये पार्लर क्लास है हमारी। अब हम देखते हैं आगे जाके, इसको हम प्रेस करेंगे, जो कि प्रेस से ओपन होना चाहिए, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ है, तो हम वहाँ पे जाके दोबारा उसी जगह से जाके करते हैं इसको। और बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ पार्लर क्लास।